काफी बड़े बड़े पत्थर भी हैं। ओह माय गॉड, भाई 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 गिरूंगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, अपना जो सेटअप था कल रात को, भाई इधर ही टेंट पिच किया था। अब फटाफट से इसको निकालता हूँ, सारी पैकिंग करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। बाकी सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलते हैं यहाँ से फटाफट और चलते हैं जिंग जिंग बार की तरफ। और हो सकता है हम लोग सरचू तक भी पहुँच जाएँ, लेकिन बीच में बारह लाचला पास पड़ेगा, तो इस वजह से सरचू जाना टफ पड़ेगा, इसलिए शायद जिंग जिंग बार पर स्टॉप होगा। तो चलिए पैक करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। सो दोस्तों, मैं जहाँ पे कैंप किया था कैंप साइट से करीबन 1 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, और बीच में मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, 2 परांठे खाए। काफ़ी महंगे थे यार, 50 रुपये का एक परांठा था यहाँ पे, तो महंगा पड़ गया मुझे आज का ब्रेकफास्ट। कोई बात नहीं, अब खाना तो था ही, क्योंकि जो बाइक में जा रहे हैं उनका पेट्रोल है महंगा, लेकिन उनको डलाना तो पड़ेगा ही, और हमारा पेट्रोल खाना ही है भाई, तो खाना खाना ही पड़ेगा। और ये देखो व्यू ज़बरदस्त एकदम। अभी फ़िलहाल एक चीज़ और बता दूं कि जहाँ पे कैंप किया था वहाँ पे यार मज़ा आया रात को सोने में, क्योंकि नीचे से पूरी घास थी और गद्दा बन गया था समझ लो, ऊपर से मैट्रेस अपनी जो मैट लगा के, तो मस्त नींद आ गई थी, सही रहा एकदम, बस ज़बरदस्त। अब यहाँ से 40 किलोमीटर है अभी अपना जिंग जिंग बार, और बाकी सरचू तो है करीबन 87 किलोमीटर होगा या 80 होगा। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं आगे। यहाँ पे ना सुबह सुबह ही काफ़ी तेज़ धूप आ गई है, और ये शायद पता नहीं कौन सी रिवर है, कुछ लिखा था रेस्टोरेंट में नाम, क्योंकि जो रेस्टोरेंट के नाम रखे रहते हैं वही, हाँ भागा रेस्टोरेंट लिखा था, तो भागा रिवर है शायद ही, और उधर चंद्रा से मिलके गई, चंद्रभागा बनाती होगी, और इसमें अभी एक और रिवर मिल रही है इधर पे, उधर से आ रही है और एक सामने से आ रही है, ये और ये दोनों का यहाँ पे संगम है। तो अभी मैंने करीबन 5 किलोमीटर कवर कर लिया है, और दारचा आ रही, दारचा बचा हुआ है अभी 2-3 किलोमीटर और। तो देख रहे हो चढ़ाई में कितनी दिक्कत होती है, तो चढ़ाई में ब्लॉक करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। देख, और ये जालिम धूप, ओ जालिमा मान जा भाई। तो अभी काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद ढलान आई है, बट इस ढलान का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उधर देखो वो ऊपर जो पहाड़ है वहाँ पे, मुझे वहाँ जाना है यार। अभी ये रोड ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर चढ़ रहा है, तो वहाँ चढ़ेगा। और ये जो एरिया है ना आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एवालांच प्रोन एरिया, तो यहाँ पे कभी भी एवालांच आ सकता है। तो जब बर्फ़ होती होगी तो उस टाइम पे एवालांच आता होगा, और अभी बर्फ़ नहीं है तो अभी पत्थर गिर सकते हैं भाई। और नीचे देखो किस तरीके के पत्थर हैं यार, पूरे काले काले, अजीब सा, मतलब यहीं से शायद गिरे होंगे, पूरा पहाड़ टूट के शायद इधर ही गिरा है। और ये कोई गाँव है दारचा शायद, नीचे यही है। अब यहाँ से मेरे को ये दोनों सीढ़ियाँ जैसी ऊपर चढ़ के उस टॉप पर जाना है यार, भाई खतरनाक सड़कें हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने दारचा चेक पोस्ट जो है क्रॉस कर लिया है, और ठीक मेरे पीछे एक ब्रिज दिख रहा होगा आपको, ये जो ब्रिज है ना हिमाचल का सबसे लंबा ब्रिज है दोस्तों। तो ये भागा रिवर के ऊपर बना हुआ है, और इसका इनॉग्रेशन करने के लिए राजनाथ सिंह जी आए थे यहाँ पे, आपने देखा भी होगा न्यूज़ व्यूज़ में। तो दोस्तों, जिस पास से अराउंड निकला हूँ अभी 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हुआ है, लेकिन ये गाड़ी आ गई साथ में, तो 8-10 किलोमीटर बाद ये भैया मिल गए। हेलो। तो ये अपने वीडियो देख रहे थे, तो इनका चैनल है विंड्स अप, मुरथल टू लद्दाख ये कर रहे हैं। मुरथल किधर पड़ता है? मुरथल पड़ता है हरियाणा, हरियाणा में ना, तो ढाबे हैं जहाँ पे बहुत सारे। हाँ हाँ हाँ, मुरथल बहुत नाम सुना है मुरथल का, तो बट मैं भूल गया था अभी कि हरियाणा पड़ता है। आप भी काफ़ी लोड कैरी कर रहे हो, और ये पेट्रोल कितने लीटर का टैंक होता है इसका? 13 लीटर का टैंक हो गया, 5-5 लीटर एक्स्ट्रा हो गया। अब ये इसे से एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे महंगा मिलेगा।
अब पीछे से हमें थोड़ा कोस्ट में भी ठीक ठाक पड़ गया तो एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। मेरे को दो दिन हुए निकले। अच्छा, एक भाई और गया हुआ है शायद, उसने भी आपको सब्सक्राइब कर रखा है, संदीप के नाम से है उसका चैनल का नाम है ट्रैवल विदाउट पैसा। ट्रैवल विदाउट पैसा, अच्छा हाँ, हाँ। और वो पहुंच चुका है फिलहाल, हेमिस के आसपास है कहीं, वहां से आ रहा हूं मैं जिसपा उधर कहीं उस पहाड़ के पीछे, वहां से आते आते ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते इधर से पूरी ये चढ़ाई चढ़ के मैं यहां पर पहुंच गया हूं। अब यार ये वाली चढ़ाई जो है काफ़ी ख़तरनाक है, और ये कुछ अपने बाइकर्स आ रहे हैं भाई लोग, भाई बहुत सारे बाइकर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिलहाल अपन जो है थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। इस पे ना पानी पीना बहुत ज़रूरी है, एक साइकिलिस्ट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं पानी पीता हूँ, पानी बैठ के पीऊँगा यार, अगर खड़े खड़े पीऊँगा ना तो सीधे ग्लाइडर में पहुँच जाता पानी, और तुरंत ही कहता है मुझे निकालो बाहर, तो बैठ के पीते हैं पानी। क्या व्यू है भाई, तो मैं नहीं चाहता था कि आपका ये व्यू मिस हो, इसलिए यहाँ पर रुक करके मैंने आपको व्यू दिखाने के लिए यहाँ पर साइकिल खड़ी करी। तो आपको कैसा लगा है व्यू यार बताना, वो देखो कैसा लग रहा है, मस्त माउंटेन, मज़ा आ गया यार। दोस्तों टाइम अभी हो रहा है 11:25 और 8:30 बजे से मैं चला हुआ हूँ लगातार, तो 11:25 पे मैंने अभी अपना ब्रेक लिया है यहाँ पे, उससे पहले एक बार ब्रेकफास्ट किया था, बस वही किया था और अभी ब्रेक लिया है। धूप उस साइड से आ रही है तो कैमरा मेरे को इधर ही करना पड़ेगा, तो यार पसीना आ रहा है पीठ में जो मैंने बैग टांगा हुआ है, और ये है खूबसूरत सी जगह, यहाँ पे मैंने बाइक को लगाया है साइड में और मैं उधर से आ रहा हूँ, उधर आपको रोड दिखाई दे रही है। हाँ तो अभी खड़े होता है, थकान लग गई है बहुत ज़्यादा, और करीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर साइकिल चलाने का अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत जल्दी यहाँ पे शरीर थक रहा है, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, और हवाएं देखो भाई यहाँ पे कैसी चल रही हैं यार, मन कर रहा है वही नींद वाली प्रॉब्लम धूप की वजह से। तो दोस्तों काफ़ी गर्मी भी लग रही थी और यहाँ पे अबंडेंट ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं नहा ले रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँगा, तो फटाफट नहाते हैं फिर बढ़ते हैं भाई आगे, पानी तो काफ़ी ठंडा है यार बर्फ़ वाला। तो यहाँ पर रोड का काम भी चल रहा था, तो ये भैया जी मिले हैं हमें झारखंड के अपने भाई, क्या नाम है आपका, है भुवनेश्वर सिंह, तो इनसे मैंने पूछा तो इनने बोला नहा लो यहीं पर, तो अब यहीं पर नहाते हैं उसके बाद चलेंगे। इधर कोई गाँव भी है क्या आसपास, अच्छा रात को आपको डर नहीं लगता है, पत्थर वत्थर नहीं गिरते, अच्छा दिन भर काम करते हो और फिर यहीं पे सोते हो रात को, और खाने का कैसे होता है, खाना तो बनाता नहीं, बनाने वाला अलग बंदा है या अलग होगा ना, चलो सही है फिर नहा लेते हैं यार। तो भाई नहा लिया है, पानी बर्फ़ जैसा ठंडा हो रहा था लेकिन मज़ा आ गया नहा के बर्फ़ के पानी से नहा के, एकदम शरीर में भी बिल्कुल ताजगी आ गई है, अभी तक तो नींद सी आ रही थी मुझे, अब लेकिन एनर्जी आई काफ़ी, तो अभी नहा के चलते हैं फटाफट यहाँ से, निकलते हैं फिर भैया आगे की तरफ। तो भाई अपनी आ गई है पहली सो कॉल्ड वाटर क्रॉसिंग, ओह माय गॉड सामने डंफा आ रहा है इतनी तेज, धीरे कर ले यार थोड़ा भाई, गजब देख रहे हो ना इतनी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है, और ये भैया आ गए हैं अपने भैया, तो अब अपन करते हैं इसको क्रॉस, आप भी देखो तो अभी अपन को कुछ ग्रुप मिला है साइकिलिंग ग्रुप, किधर से आ रहे हैं आप लोग, केलोंग, ओके डे 3 एंड वेर आर यू बेसिकली फ्रॉम, ओके तो ये दिल्ली के कुछ लोग हैं, अपने इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, तो अभी मैं भी लगा हुआ हूँ
रोड के साथ। मैं उत्तराखंड से, हल्द्वानी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। स्प्रिंकलर लगा। हाँ, ये स्प्रिंकलर्स ने बहुत जगह भिगाया मेरे को, सीसू से पहले भी बहुत भिगाया। सो आसमान कितना नीला है भाई, और अभी थोड़ी सी ढलान आई है, काफ़ी चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद तो तब मैं ब्लॉग कर पा रहा हूँ। तो इधर से करते हैं, ये वाला एंगल ज़्यादा सही रहेगा बिकॉज धूप उस साइड से आ रही है ना, तो अभी थोड़ा सा ढलान है तो बात कर लेते हैं कैमरे से आप लोगों से। तो अभी मैं चढ़ाई में, जब खड़ी चढ़ाई आती है ना तो मैं रुकता नहीं हूँ, तो ये है मेरे पास बेनिफिट। मैं थोड़ा धीरा भी हूँ बट मैं कैसी भी चढ़ाई हो मैं रुकता नहीं हूँ, मैं कंटिन्यूसली चलते रहता हूँ। वो मैंने कहावत को ज़्यादा दिल से ले लिया है, जो बोलते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे चलो लेकिन रेस जीतो। तो मैं अभी आराम से ही चल रहा हूँ, तो अब इस ढलान का भी थोड़ा मज़ा ले लेता हूँ यार, काफ़ी स्पीड गेन कर सकता हूँ। तो अब कैमरे को रख लेते हैं जेब में और देख लो भाई कैसी नज़ारे हैं यहाँ के, फिर उसके बाद मैं कैमरा जेब में रख रहा हूँ, आगे चढ़ा ही ना आ जाए यार, शिट। सो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ दीपक ताल। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा लेक देखने को मिलेगा मुझे, बट यार मज़ा आ गया लेक देख के। इससे पहले मैंने एक जगह पे नहाया था बट मुझे पता होता कि इधर पे लेक है तो मैं इधर ही नहाता। इसमें यार काफ़ी साफ़ पानी है एकदम, देखते हैं गोप्रो को नीचे डाल के कितना साफ़ पानी है। नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि भाई रोकना मुश्किल है अपने आप को, क्या व्यू है मस्त। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नज़ारे ही देखूंगा मैं तो, क्या नज़ारे, मज़ा आ गया। यहाँ पे आ गया एकदम प्लेन मैदान, हल्की हल्की चढ़ाई के साथ, और यहाँ पे कुछ आर्मी का कैंप वैम्प है इसलिए मैंने शूट नहीं किया। पीछे आपको दिखाई भी दे रहा होगा पीछे, और वो देखो उधर से एक नदी आ रही है। अभी 7 किलोमीटर बचा हुआ है जिंग जिंग बार, जेड जेड बार, जी जी बार। अब ये पहाड़ के पीछे से पता नहीं कहाँ से रोड आ रही है, ऐसा लग रहा है गाड़ियाँ एकदम से प्रकट हो रही है वहाँ से। तो भाई अभी पहले ढलान दिखा के फिर से चढ़ाई चढ़ा रहे हो यार, ये गलत बात है। बट पीछे से जो है ना शिव जी का, ऐसा लग रहा है भोलेनाथ ने हवा को भेज दिया है, धक्का मार रही है ऊपर चढ़ने के लिए। थैंक यू शिव जी, थैंक यू भोलेनाथ, आप सपोर्ट कर रहे हो पीछे से। अभी ऊपर देखो उधर धूप है माउंटेन्स में, और यहाँ पे छाया है, ये भी शायद किसी का सपोर्ट ही है। तो ऐसा सपोर्ट हमको मिल रहा है, थैंक यू। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं भाई, वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप सबका भी थैंक यू। और मैं नेटवर्क जोन से बाहर जाऊँगा तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ कॉमेंट्स के, तो आप लोग बुरा मत मानना क्योंकि टाइम कुछ ऐसा है नहीं हो पा रहा यार। तो फिलहाल ये सब आपको बताना था, अभी चढ़ता हूँ इस चढ़ाई को कैमरा जेब में डाल के। सो दोस्तों यहाँ पे अब आ गया है एक ऑफ रोड पूरा, और उसमें पानी बह रहा है, एक तरीके का वाटर क्रॉसिंग है। रे 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 रे। भाई 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 देख रहे हो पत्थर ही पत्थर है यार। अबे 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 कहाँ 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 भाई। अरे रे रे चल 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 कमन 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 गुड गुड MTV राइडिंग इसको ही कहते हैं शायद। फाइनली अपन ने पार कर दिया, चला के आए अपन तो पूरा यार, अपन उतरे नहीं अपनी साइकिल से, अपनी बाइक से, क्योंकि माउंटेन बाइक है यार, ऐसी ऐसी थोड़ी है कोई। तो भाई FOV चेंज, अब आपको ऐसे दिखेगा यहाँ से, पूरा ऑफ रोड है यार इधर, यहाँ पे पूरे पत्थर पत्थर आ रखे हैं और पानी इतना आ रहा है क्रॉस करना मुश्किल है।
हमारे लिए तो साइकिल में थोड़ा बढ़िया है कि हम पतला सा हमको जगह मिलेगी ना, उधर से भी चला लेंगे। बाकी इधर से जो भी आप लोग आ रहे हो ना जिंग जिंग बार की तरफ, जिस पास से, तो आप याद रखना कि इस तरीके का रास्ता आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको ऐसे पत्थरों में और पानी में बाइक को अपने नहलाना पड़ेगा। तो देखो किस तरीके से मेरी बाइक चल रही है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी हैं। ओ माई गॉड, भाई 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 गिरूँ ना। बाकी मेरा रिम रिम बैंड ना हो इसमें, क्योंकि पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। तो भाई फाइनली इससे तो पार हुए, अब आगे और भी पत्थर हैं और चढ़ाई भी है। चलो पानी तो हटा कम से कम। हाँ आगे देखो यार, क्या खतरनाक रास्ता है। वो दिख रहा पहाड़, ऐसे रहा रोड जा रहा, फिर ऐसे ऐसे ऊपर से आ रही गाड़ियाँ। तो उधर उधर कहीं जाना है। अभी तो शायद लोअर जिंग जिंग बार तो इधर है, फिर एक अपर जिंग जिंग बार है। तो एक भाई मिला था मुझे, उसने बताया था कि वहाँ पे जाना, उधर स्टे करना। तो भाई एक जिंग जिंग बार पे तो मैं पहुँच चुका हूँ, लेकिन ये जो है लोअर जिंग जिंग बार, यहाँ पे कम है एकोमोडेशन है। बट मैं सोच रहा हूँ जितना हम लोग ऊपर चल जाए आज ही तो उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत बचा है यार। और ये देखो कितना हो रहा है अभी टाइम, अभी तो 2:45 भी हो रहा है। तो यहाँ से हमको चढ़ना है इधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर घूम घूम के उधर। तो अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगता है ये चढ़ाइयाँ चढ़ने में। मुझे लगता है 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्टीप स्लोप्स हैं। तो चलते हैं ऊपर और फिर मिलते हैं आपसे, फिर बताता हूँ आपको कैसी मेरी हालत हुई इसको चढ़ने में यार, क्योंकि इतना लोड है ना मेरे पास, भाई तबाही हो जाएगी आज तो, इसमें पूरे थकान लगने वाली है भाई, जाते ही सो जाऊंगा मैं तो। सो गाइस, पहाड़ों में साइकिलिंग कितनी आसान है ना। वो देखो नीचे दिख रही है आपको गाड़ियाँ, वहाँ से घूम घूम के यहाँ तक का सफ़र अभी तय कर लिया है, लेकिन जोश फुल है भाई। तो भाई ये अमेजिंग था आज का, भाई बहुत अमेजिंग था। फाइनली 4000 मीटर की हाइट पर पहुँच करके अब जा करके डाउन हिल मिल रहा है। वो पूरे लूप्स थे यार, बैंड्स थे, चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई। एक ख़त्म होता दूसरा आ जाता, एक ख़त्म दूसरा, पानी तक ख़त्म हो गया था मेरा। बट थैंकफुल हूँ उस गाड़ी वाले बंदे का जिसने रुक कर मुझे पानी दिया। यार वहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं थी मेरी कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, बड़ी हालत ख़राब हो गई। बिकॉज यार बैंड पे बैंड और चढ़ाई चढ़ाई, अब देखो यार उसका फल मिल गया है और फिलहाल उस फल को मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। तो कैमरा इन माई पॉकेट, चले यार। भाई बहुत थक गई मुझे, मतलब ऑक्सीजन ही इतनी कमी थी ऊपर, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी। सो आफ्टर क्रॉसिंग अ लॉट ऑफ हर्डल्स पहुँच गए यहाँ पे, काफ़ी चढ़ाइयाँ थी। जिंग जिंग बार तो नीचे ही रह गया, अभी ये दूसरा जिंग जिंग बार है, अभी रात को स्टे ही रहेगा। भाई पहुँचा हूँ तो कुछ खा लेते हैं, भूख भी लग गई है भाई। 4:21 हो गया है, तो ये है लेक व्यू कैफे। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से पंकज भाई और उनका ग्रुप मिल गया है, और अभी हम लोग कितनी हाइट पे पंकज भाई? अभी है हम 13,885 फीट, यानी 4200 मीटर के आसपास होगा। बिल्कुल 4200 मीटर है। तो ये 4200 मीटर के आसपास आज हम लोग रुकने वाले रात भर इधर ही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी ये वीडियो जो है 1-2 दिन बाद ही आया, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल गाइस।